हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुचीज गुड लाइफ। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी मिर्च के पकोड़े। इसके लिए हमें चाहिए राजस्थानी मिर्ची, बेसन और उबले हुए आलू, चॉप्ड किया हुआ अनियन, ब्रेड क्रम्स, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, चिली फ्लेक्स, नमक अपने स्वाद अनुसार। दोस्तों, पहले हम इसका बैटर तैयार करते हैं। इसके लिए एक बोल में बेसन डाल के उसमें हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक डालेंगे। मसाले सारे अच्छी तरह मिलाने के बाद अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और उसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे। बैटर को अच्छी तरह मिलाने के बाद आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। अब हम मिर्चियों को अच्छी तरह से धो के उसे बीच में से काट लेंगे। मिर्चियों के बीच में जो सीड्स है हम उसे निकाल लेंगे। एक एक करके सारे मिर्ची को हम साफ कर लेंगे। स्टफिंग के लिए अब हम एक पैन में तेल लेंगे, उसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा कुछ देर चटकने के बाद अब हम इसमें चॉप्ड किया हुआ अनियन डालेंगे। अनियन थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने के बाद अब हम इसमें सारे सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम मैश किया हुआ आलू डालेंगे। आलू को हम कुछ देर भूनेंगे, उसका सारा पानी जैसे निकल जाए। अब हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है, उसे कुछ देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। मसाला थोड़ा ठंडा होने के बाद अब हम एक एक मिर्ची लेके उसमें हम स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग को अच्छी तरह मिर्ची में डालने के बाद अब हम इसको बैटर में डुबोएंगे और ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करेंगे।
ऐसे ही हम एक एक करके सारे मिर्ची को हम कोटिंग कर लेंगे और उसे एक साइड में रखेंगे। एक पैन में तेल डाल के उसे हम गरम कर लेंगे। अब हम इसमें एक एक करके मिर्ची डालेंगे। इसे हम लो टू मीडियम हीट पे तलेंगे। सारे पकोड़े को हम गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। अब हमारे सारे मिर्ची गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। बन के तैयार हो गया हमारा गर्मा गर्म राजस्थानी मिर्च के पकोड़े। ये गर्मा गर्म पकौड़े का लुफ्त आप चाय के चुस्कियों के साथ ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।